Hello, dear students. Myself, Vyas Rumika. Today, I will teach you standard third maths, chapter 10, play with patterns, exercises, part 1. This video, we are watching MCQs. Fill in the empty space in the number pattern and find out the secret messages. Okay, so let's see first question MCQs means multiple choice questions okay listening this or watching this mcq types questions do you remember crorepati, Ka students yes i also remember it so let's start our mcqs number one what comes next means next क्या आएगा कंटिन्यू पैटर्न कौन सी आएगी सर्कल रेक्टेंगल दो सर्कल रेक्टेंगल थ्री सर्कल रेक्टेंगल फिर क्या आएगा तो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डबल सर्कल रेक्टेंगल ऑप्शन बी फोर सर्कल एंड रेक्टेंगल ऑप्शन सी थ्री सर्कल एंड रेक्टेंगल ऑप्शन डी दो सर्कल दो रेक्टेंगल तो इसमें आप पैटर्न में देख सकते हो कि पहले स्टार्टिंग में एक सर्कल और एक रेक्टेंगल है फिर क्या किया है सर्कल को आगे लिया है रेक्टेंगल तो एक ही है तो फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसके बाद दो सर्कल है फिर एक रेक्टेंगल है फिर तीन सर्कल किए फिर एक रेक्टेंगल किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो तीन सर्कल है उसके बाद कितने सर्कल आएंगे चार सर्कल और उसके बाद एक रेक्टेंगल मतलब ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है ओके लेट्स सी नंबर टू फील इन द एम्प्टी स्पेस मतलब नीचे एम्प्टी स्पेस है उसमें लिखना है कि क्या आंसर आएगा सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन फिर स्पेस फिर सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए सेवेंटी ऑप्शन बी सिक्सटी नाइन ऑप्शन सी सिक्सटी सिक्स ऑप्शन डी सिक्सटी फोर तो ऊपर वाली जो पैटर्न है उसमें वन वन नंबर स्किप किया हुआ है देखिए कैसे पता चला सिक्सटी थ्री के बाद सिक्सटी फोर नहीं है सिक्सटी फाइव है सिक्सटी फाइव के बाद सिक्सटी सिक्स नहीं है सिक्सटी सेवन है फिर सिक्सटी सेवन के बाद हम सिक्सटी एट नहीं लिखेंगे लिखेंगे सिक्सटी नाइन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्सटी नाइन लेट सी नंबर थ्री लुक एट दिस पैटर्न ओवल शेप सर्कल ओवल शेप सर्कल ओवल शेप सर्कल ओवल शेप सर्कल हाउ वुड यू सो दिस पैटर्न यूजिंग लेटर्स ये जो पैटर्न है उसको आप अल्फाबेट्स की मदद से कैसे दिखाओगे सो ऑप्शन आर डबल ए बी ऑप्शन बी ए बी ऑप्शन सी ए डबल बी ऑप्शन डी डबल बी ए तो ये पैटर्न में पहले ओवल शेप है मतलब वो ए हो गया फिर सर्कल है वो हो गया बी फिर से ओवल शेप है तो वो हो जाएगा ए मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ए बी ए लेट सी नंबर फोर नंबर फोर में भी पैटर्न दी गई है उसको कंप्लीट करना है चलो देखते हैं कि वो कौन सी है पहले छोटा सर्कल फिर उससे बड़ा सर्कल और फिर एक डॉट या तो जो सर्कल है उसमें कलर किया हुआ है फिर है छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल फिर छोटे ट्रायंगल में कलर फिर है स्क्वायर फिर उसके बाद हमें पैटर्न कंप्लीट करनी है क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्क्वायर और उसके बाद छोटा स्क्वायर उसमें कलर फिर बी दो स्क्वायर हैं सी है दो ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में कलर डी है सर्कल और दूसरे सर्कल में कलर तो ये पैटर्न हमें कंप्लीट करनी है तो क्या करेंगे ऊपर आप देख सकते हो कि पहले एक सर्कल है फिर दूसरा सर्कल है फिर तीसरे सर्कल में कलर है फिर दो ट्रायंगल है और तीसरे ट्रायंगल में कलर है और फिर एक स्क्वायर दिया हुआ है तो आगे जैसे हमने देखा कि एक सर्कल और पीछे दूसरे सर्कल में कलर तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एक और स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और तीसरे स्क्वायर में कलर करेंगे मतलब ऑप्शन ए है वो सही आंसर है है ना स्टूडेंट्स ओके लेट्स सी नंबर फाइव में रेक्टेंगल में डॉट्स किए हुए हैं तो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसमें ऊपर पांच और नीचे चार डॉट है फिर जो नेक्स्ट रेक्टेंगल है उसमें ऊपर चार और नीचे तीन डॉट है फिर थर्ड रेक्टेंगल है उसमें ऊपर तीन और नीचे दो डॉट है फिर स्पेस दिया हुआ है और फिर दो स्क्वायर टाइप मैंने ड्रॉ किए है उसमें ऊपर वाला है उसमें डॉट है नीचे वाले में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन है विच पैटर्न कम्स इन द ब्लैंक स्पेस कौन सी पैटर्न ब्लैंक स्पेस में आएगी तो उसके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए रेक्टेंगल और उसमें ऊपर तीन डॉट और नीचे दो डॉट ऑप्शन बी रेक्टेंगल में ऊपर दो डॉट नीचे एक ऑप्शन तो सी में रेक्टेंगल में ऊपर एक डॉट दिया हुआ है और नीचे दो डॉट है फिर ऑप्शन डी में रेक्टेंगल में ऊपर वाले पार्ट में दो डॉट हैं और नीचे वाले पार्ट में तीन डॉट हैं। तो ऊपर पहले हम पैटर्न को देखेंगे अच्छी तरह से फिर ये सोचेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है तो देखिए जो फर्स्ट रेक्टेंगल था उसमें ऊपर के पार्ट में पांच डॉट है और नीचे के पार्ट में चार है फिर सेकेंड बॉक्स में ऊपर वाले पार्ट में पांच में से चार हो गए और चार में से नीचे के पार्ट में तीन हो गए फिर जो थर्ड रेक्टेंगल है उसमें क्या किया ऊपर वाले पार्ट में चार में से तीन कर दिए और सेकेंड बॉक्स में जो तीन है उसमें से थर्ड बॉक्स में दो कर दिए तो अभी क्या करना है हमें ये जो बॉक्सेस हैं उसमें डॉट है उसको कम करना है तो देखिए अभी ये ब्लैंक स्पेस है उसमें पहले एक रेक्टेंगल आएगा फिर ऊपर वाले पार्ट में थर्ड बॉक्स में जो तीन डॉट किए हैं उसको हम कम कर देंगे तो जो फोर्थ रेक्टेंगल है उसमें दो डॉट ऊपर हो जाएंगे और नीचे थर्ड में जो दो डॉट दिए हुए हैं वो फोर्थ रेक्टेंगल में वन हो जाएंगे मतलब ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन फील इन द एम टी स्पेस इन द नंबर पैटर्न मीन्स नंबर पैटर्न जो एम टी स्पेस है उसको फील करना है तो उसमें नंबर वन है नाइन्टी नाइन एटी एट सेवेंटी सेवन फिर डैश उसके बाद फिफ्टी फाइव फिर दो डैश और ट्वेंटी टू अभी यहाँ पे हमें बैकवर्ड नंबर्स लिखने हैं तो यहाँ पे हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि नाइन्टी नाइन और एटी एट के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है तो उसके लिए क्या करेंगे एटी एट में कितना ऐड करेंगे तो नाइन्टी नाइन आएगा वो देखना पड़ेगा तो एटी नाइन नाइन्टी नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन तो कितने नंबर का गैप आया इलेवन नंबर का उसके बाद सेवेंटी सेवन में इलेवन ऐड करेंगे तो एटी एट आएगा फिर सेवनटी सेवन में से इलेवन माइनस करेंगे तो आएगा सिक्सटी सिक्स मतलब फर्स्ट डैश में सिक्सटी सिक्स आएगा उसके बाद फिफ्टी फाइव तो लिखा हुआ है उसके बाद फिफ्टी फाइव में से इलेवन माइनस करेंगे तो आंसर आएगा फोर्टी फोर तो सेकेंड डैश में फोर्टी फोर लिखोगे उसके बाद फोर्टी फोर में से इलेवन माइनस करेंगे तो आंसर आएगा थर्टी थ्री उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ट्वेंटी टू लेट्स सी नंबर टू फोर्टी टू थर्टी सिक्स थर्टी और फिर दो डैश फिर ट्वेल्व एंड सिक्स और फिर एक और डैश यहाँ पे हमें क्या करना है फोर्टी टू और थर्टी सिक्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो देखना है तो क्या करेंगे थर्टी सिक्स में कितना ऐड करेंगे तो फोर्टी टू आएगा वो देखना पड़ेगा तो थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब दोनों के बीच में सिक्स नंबर का गैप है उसके बाद थर्टी सिक्स और थर्टी के बीच में भी सिक्स नंबर का गैप है अभी क्या करेंगे थर्टी में से सिक्स माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा ट्वेंटी फोर फिर ट्वेंटी फोर में से सिक्स माइनस करेंगे आंसर मिलेगा एटीन फिर ट्वेल्व और सिक्स तो दिए हुए हैं फिर सिक्स में से सिक्स निकालेंगे आंसर क्या आएगा जीरो मतलब लास्ट डैश में लिखोगे जीरो लेट सी नंबर थ्री फाइव इलेवन फिर दो डैश ट्वेंटी नाइन फिर दो डैश और लास्ट है फोर्टी सेवन अभी यहाँ पे पहले हमें देखना है कि फाइव में कितने नंबर ऐड करेंगे तो इलेवन आएगा तो चलो सिक्स से काउंटिंग करते हैं सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन अभी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब फाइव और इलेवन के बीच में सिक्स नंबर का गैप है तो अभी क्या करेंगे इलेवन में सिक्स ऐड करेंगे तो इलेवन में सिक्स ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा वन सेवन सेवेंटीन वो फर्स्ट प्लेस में लिखोगे फिर वन सेवन सेवेंटीन में सिक्स नंबर और ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा ट्वेंटी थ्री फिर उसके बाद ट्वेंटी नाइन तो दिया हुआ है फिर क्या करोगे ट्वेंटी नाइन में सिक्स ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा थर्टी फाइव वो आपको लिखना है उसके बाद थर्टी फाइव में सिक्स ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा फोटी वन उसके बाद फोटी सेवन तो दिया हुआ ही है लेट सी नंबर फोर हंड्रेड फिर एक डैश फिर एटी फोर फिर और एक डैश फिर सिक्सटी एट फिर और एक डैश और लास्ट है फिफ्टी टू तो अभी हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर का गैप है तो इसमें क्या करेंगे हम तो हमें रफ वर्क करना पड़ेगा कि हंड्रेड में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो जो ब्लैंक में नंबर आएगा उसमें हम थोड़े से नंबर ऐड करेंगे तो एटी फोर आएगा तो उसके लिए हम हंड्रेड में से एट माइनस करेंगे तो नाइन्टी टू आएगा मतलब फर्स्ट ब्लैंक में नाइन्टी टू लिखोगे फिर नाइन्टी टू में से हम ऐट माइनस करेंगे तो एटी फोर आएगा उसके बाद एटी फोर में से एट माइनस करेंगे तो आएगा सेवेंटी सिक्स फिर सेवेंटी सिक्स में से एट माइनस करेंगे तो सिक्सटी एट जो दिया हुआ है उसके बाद सिक्सटी एट में से एट माइनस करेंगे आंसर आएगा सिक्स जीरो 60. उसके बाद फिफ्टी तो दिया हुआ है ओके मतलब ये फोर नंबर में आपको एट नंबर माइनस करने पड़ेंगे उसके बाद नंबर फाइव और लास्ट है फोर्टी वन फिफ्टी वन फिर तीन डैश और लास्ट है नाइन्टी वन मींस ये पैटर्न में आपको टेन टेन नंबर का गैप रखना है फोर्टी वन में टेन ऐड करेंगे तो आएगा फिफ्टी वन फिफ्टी वन में टेन ऐड करेंगे तो क्या आएगा 61, जो आपको लिखना है और मैंने भी लिखा हुआ है सिक्सटी वन के बाद टेन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा सेवेंटी वन जो आएगा सेकेंड डैश में उसके बाद सेवेंटी वन में टेन ऐड करोगे आंसर आएगा एटी वन और लास्ट में एटी वन में टेन ऐड करेंगे तो नाइनटी वन आएगा जो पहले से मैंने लिखा हुआ है सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट फाइंड आउट द सीक्रेट मैसेजेस ये सीक्रेट मैसेजेस वाली एक्टिविटी हमने टेक्स्ट बुक में कर ली है ऐसी ही दूसरी एक्टिविटी हमें यहाँ पे करनी है उसमें देखते हैं नंबर वन इसमें नंबर वन में फाइव टी फाइव एच फाइव ए फाइव एन फाइव के फिर फाइव वाई फाइव ओ फाइव यू ये मैंने ऊपर सीक्रेट मैसेज के तौर पे लिखा हुआ है उसमें से हमें जो परफेक्ट सेंटेंस बनता है या तो जो परफेक्ट मैसेज बनता है उसको नीचे आंसर में लिखना है तो इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि दो नंबर के बीच में जो एक लेटर दिया हुआ है उसको हम ज्वाइन करके एक सीक्रेट मैसेज बनाएंगे तो ये जो फर्स्ट नंबर है उसमें ये सभी लेटर्स को मैंने ज्वाइन किया तो आंसर आया थैंक यू जो आपको नोटबुक में लिखना है नंबर टू है वन आई टू ए थ्री एम फोर ओ फाइव के तो यहाँ पे क्या किया है एक नंबर और एक ही लेटर है तो ये तो आसान है तो इसमें आंसर आएगा आई एम ओके नंबर थ्री है वन बी टू ई थ्री एस फोर टी फिर है फाइव ओ सिक्स एफ सेवन एल एट यू नाइन सी टेन के मतलब इसमें भी दो नंबर्स के बीच में लेटर्स लिखे हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करके हमें नीचे मैसेज लिखना है तो आंसर आएगा बेस्ट ऑफ लक जो मैंने लिखा हुआ है और आपको भी नोटबुक में लिखना है लेट सी नंबर फोर नंबर फोर में है फोर डब्ल्यू फोर एच फोर ई फोर आर फोर ई उसके बाद है फोर ए फोर आर फोर ई उसके बाद है फोर वाई फोर ओ फोर यू तो आंसर आएगा वेर आर यू लेट सी नंबर फाइव एंड लास्ट वन सिक्स के बाद आई सिक्स के बाद एन सिक्स के बाद डी सिक्स के बाद आई सिक्स के बाद ए उसके बाद है सिक्स के बाद आई है फिर सिक्स के बाद एफ है फिर है सिक्स के बाद जी सिक्स के बाद आर सिक्स के बाद ई e, सिक्स के बाद ए और सिक्स के बाद टी तो ये इसमें से पूरा मैसेज बनेगा इंडिया इज ग्रेट आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज पार्ट वन वेरी वेल थैंक यू